Hello, Assalamu Alaikum. This is Muhammad Ibrahim, and welcome to Chapter 1 of House Job Diaries. Today is my house job interview, but before talking about that, let me explain कि ये होता क्या है. जब आप पाकिस्तान में 5 साल MBBS पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको 1 साल हाउस जॉब करनी पड़ती है किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में. हाउस जॉब में आपको 1 साल के लिए प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाता है, जिस पे आप 1 साल एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं. परमानेंट लाइसेंस के लिए फिर आपने हाउस जॉब के दौरान या हाउस जॉब के बाद NLE पास करनी होगी आजकल, उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा और आप एज RMP डॉक्टर काम कर सकेंगे पाकिस्तान में. हाउस जॉब में आपने 6 महीने मेडिसिन एंड एलाइड में गुजारने होते हैं और 6 महीने सर्जरी एंड एलाइड में गुजारने होते हैं. अच्छा, चूंकि मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो इसलिए मेरी हाउस जॉब की आज पहली इंटरव्यू है. दूसरी इंटरव्यू फिर 6 महीने बाद होगी. इस पहली इंटरव्यू में या तो मैंने सर्जरी एंड एलाइड सेलेक्ट करना है या मेडिसिन एंड एलाइड सेलेक्ट करना है. ये इंटरव्यू सुबह 9 बजे से स्टार्ट होके दोपहर 3 बजे तक है, और जो मेरिट पे टॉप पे लोग हैं फर्स्ट नंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी 9 बजे स्टार्ट हो रही है. और चूंकि मेरे फाइनल ईयर में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, इसलिए जो है ना मेरी इंटरव्यू भी 10 बजे है. मतलब जो प्रॉपर टीटा लोग हैं उनकी 9 बजे से स्टार्ट हो रही है, जो 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं. और जो मेरे तरह सुडू टीटा लोग हैं, जो सिर्फ 1 साल पढ़ा है जिन्होंने, उनकी जो है ना 10 बजे होगी इंटरव्यू. तो अभी मैं जाके थोड़ा नाश्ता वगैरह करता हूँ, उसके बाद चलते हैं हॉस्पिटल. अच्छा भाई, तो आप लोगों को मैं से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मेरी इंटरव्यू है तो प्रॉपर टाई शाई क्यों नहीं पहनी और फॉर्मल ड्रेसिंग क्यों नहीं की हुई और ये कुर्ते में क्यों जा रहा हूँ. तो भाइयों, इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर इंटरव्यू. ये इस तरह है कि जैसे कोई अटेंडेंस लगानी हो कि हाँ मैंने अपने साइन करना होगा कि मैंने यहाँ हाउस जॉब करनी है, और अपने फर्स्ट 6 मंथ्स के पहले रोटेशन के 2 वार्ड्स आपने सेलेक्ट करने होंगे और वो आप एक साइन करना होगा, दैट्स इट. और इस तरह कोई सीन नहीं है कि इंटरव्यू होगी, उसके प्रॉपर नंबर होंगे और उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा. इस तरह कोई सीन होता तो फिर हम जाते फॉर्मल ड्रेसिंग में. तो फाइनली एक डॉक्टर बनते हुए कैसा फील हो रहा है? फुल यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा मैंने यूट्यूब फिर पास किया ना, तो वो एनर्जी और वो सारा कुछ वापस आ गया. 52,000 रहा ना वो. हाँ. क्या कहते हैं तनख्वाह, तो इस तरह होगा क्या? अनपेड, क्योंकि हमने सोचा नहीं इंक्रीज हो गया है, 20% इंक्रीज हो गया है. ओह माय गॉड, यस, ओह यस. ओए टीटे, क्या क्या कौन कौन से वार्ड्स लिए हैं तुमने? मैंने सर्जरी भी ली है. हाँ, फर्स्ट पंच सर्जरी लेने वाला, ठीक है. हाँ, और उसके साथ आई भी. ये टीटा है हमारे क्लास का, ये पहला बंदा है जिसने सर्जरी लिया है. यार, तो मेरे पसंद के कॉम्बिनेशन थे वो सारे टीटास ने फेल किए हैं, तो अभी मुझे जो भी मिलेगा मैं उसमें जाऊंगा, कोई चॉइस नहीं है अब. इंटरव्यू हो गई और मुझे मिले हैं पीड्स ए और मेडिसिन सी. पीड्स ए मुझे अपने चॉइस पे मिला है, ये पहले से मेरा इरादा था पीड्स ए लूँगा, लेकिन पीड्स के साथ मेरा मेडिसिन ए और बी लेने का इरादा था, लेकिन वो कम्बिनेशन मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन मेडिसिन सी लेना पड़ा है, जो कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त है. और 7:55 पे जो है ना डेली सुबह ओवरऑल के साथ जो है ना अटेंडेंस लगानी होती है. बट्टी, फाइनली यू आर ए डॉक्टर, तो क्या फीलिंग्स है? यार अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग्स अच्छी हैं, शुक्र है कि पहली बार, तो इस बात पे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं. एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो बिल्कुल जीरो पे आ गया है एनएलई की वजह से. या वजह से क्योंकि रिजल्ट से 3 दिन पहले हमारा जो है ना इन्होंने अनाउंस कर दिया PMC वाले ने, अल्लाह इनको बिल्कुल ना बख्शे कभी भी. 3 दिन रिजल्ट से पहले उन्होंने जो है NLE अनाउंस कर दिया, उसकी वजह से मुझे रिजल्ट की कोई एक्साइटमेंट नहीं रही, मुझे MBBS खत्म करने की भी कोई एक्साइटमेंट नहीं रही. मेरा दीन ईमान उड़ गया पाकिस्तान से इमरान खान से, सबसे वो तबाह और गर्क कर दिया हमें इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मेरा. मुझे अभी कोई चीज समझ नहीं आ रही, कल रात तक जो 12-1 बजे जो चीज, ये चीज तो मैं सोच रहा था. डॉक्टर साहब,
कौन कौन से अवार्ड्स लिए? यार छोड़ यार, क्या क्या बात है बताओ ना, तंग ना करो यार, एक चॉइस का अवार्ड नहीं आ रहा है। इधर आओ यार, चॉइस का कौन सा अवार्ड? मैं वैसे भी तंग हूं यार। क्यों तंग है आप? रिजल्ट नहीं आ रहा था, एक तुम कह रहे थे हाउ टू रिजल्ट, मैं तुम्हारे पूछने में क्या करता हूं? उधर मेरे मार्क्स है, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन छोड़ो यार, अलग बात सुनो बस। अच्छा यार, तो वार्ड सिलेक्शन हो गई एंड आई विल बी जॉइनिंग अयूब टीचिंग हॉस्पिटल पीड्स ए वार्ड एज अ जूनियर डॉक्टर और हाउस ऑफिसर इन अ फ्यू डेज। और हाउस जॉब को मेडिकल लाइफ का जो है ना हनीमून कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ना तो इसमें स्टडीज होती है, ना इसमें आपसे कोई पूछने वाला होता है। आपकी मर्जी है, अगर कुछ सीखने का शौक है तो सीख सकते हैं, नहीं है तो बस सिर्फ अपनी ड्यूटीज करें एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन चूंकि मैंने मेडिकल कॉलेज के पहले 4 साल एज अ हनीमून मनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैं हाउस जॉब को एज अ हनीमून नहीं लूँगा एंड इट विल बी लाइक माय सेकंड शादी। तो इसलिए मेरे जो गोल्स है वो ये है कि एक तो मैं वार्ड्स में प्रॉपर लर्निंग करूँगा, दूसरी बात यह है कि मैं हाउस जॉब के साथ साथ प्रॉपर स्टडीज़ करूँगा, अपना टाइम टेबल दूँगा प्रॉपर, 3 to 4 hours डेली कोशिश करूँगा ड्यूटीज़ के साथ पढ़ूँ। इसके अलावा जो है ना आई विल बी डूइंग दिस यूट्यूब थिंग अबाउट सीरियसली, और अगले 1 साल में हाउस जॉब डायरीज के जो है ना 50 वीडियोस आएंगे एटलीस्ट इस चैनल पे, एंड द गोल विल बी टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ हाउस जॉब, और जिसमें आप लोग मेरी हेल्प करेंगे लोगों को ये चैनल रिकमेंड करके। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।